रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देने वालों के लिए जन्नत की बशारत का बहुत सा ऐसे मैसेजेस चलते हैं कि जो रमज़ान की खुशखबरी देता है उसके लिए जन्नत वाजिब है। रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देने में तो कोई हर्ज नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का मुताला करें तो आपने भी कद जा अकुम रमदान उन शाहर उन मुबारक उन ये रिवायतों में फरमाया, तुम्हारे पर रमज़ान का महीना आया, बरकतों वाला महीना है, तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो इसलिए मुबारकबाद देने में तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हाँ अलबत्ता इस मुबारक पर जन्नत की बशारत, जन्नत वाजिब होने की बशारत और फिर उसको हदीस के तौर पर बयान करना ये दुरुस्त नहीं है। ऐसी कोई हदीस किताबों में नहीं पड़ेगी, ना ही आज तक किसी सही आलम दीन ने इसको बयान किया है। और उमूमी तौर पर जो इस तरह की बशारतों वाली होती हैं वो मन घड़त सी बनाई हुई होती हैं, तो इसलिए इस तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। वैसे मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है, और लेकिन जन्नत की बशारत उस पर हो जाएगी और फिर उसको हदीस कहना ये बिल्कुल गलत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधता है तो उसको कहा गया उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इस तरह का बिल्कुल भी ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए।